बीएसपी के विधायकों का समर्थन किसे है, सरकार को या फिर कांग्रेस को? एक्सपेंशन नहीं करने के पीछे क्या सरकार का डर असल वजह है? ये ऐसे सवाल हैं जिसे सामने रखकर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खेमेबाजी से जूझती दोनों पार्टियां इस वक्त एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसने राजस्थान में सियासी पारा लावे में तब्दील कर दिया है। बगावत की लहर के बीच बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींची हुई है। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक में सरकार पर गिन गिन कर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना पर तंज कसा और मुख्यमंत्री के 2 महीने तक क्वारंटीन रहने को सरकार के 2.5 साल की विफलता का डर करार दिया है। उन्होंने पूछा कि बसपा से आए विधायक साफ करें कि उनका समर्थन किसको है, मुख्यमंत्री को या फिर कांग्रेस सरकार को। आपने देखा होगा कि बीएसपी के 6 लोग और इसी तरह से 13 निर्दलीय, इनसे आप इतना ही पूछ लो, यार तुम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हो, अशोक गहलोत को समर्थन कर रहे हो, बात स्पष्ट करो। वही राजेंद्र राठौड़ ने कैबिनेट एक्सपेंशन टालने को सरकार का राजनीतिक विद्रोह का डर करार दिया है। कोरोना की आड़ के अंदर जो संभावित विद्रोह है, जिसका वायरस पूरी कांग्रेस में फैल चुका है, आज के दिन भी 13 निर्दलीय विधायक और 6 बसपा से आए विधायक अपनी बैठक कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इस आड़ के अंदर कि मैं अभी 2 महीने आवास से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस मंत्रिमंडल को विस्तार को टालना चाहते हैं, जिससे विस्फोट आने वाला विस्फोट संभव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्कर में ईंट से कुचलकर बच्चे की हत्या के मामले में प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था पर फेल करार दिया। इस तरीके की घटनाएं समाज को तो उद्वेलित करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गैरत और ईमान बचा होगा और पानी अब सर से ऊपर गुजर गया। क्या किया होगा इस सरकार ने, क्या सोचा होगा, इतनी पुअर पुलिसिंग और इतनी बदनीयती के साथ जब कोई शासन चलता है तो मुझे लगता है कि एक तरीके से इससे ज़्यादा जघन्य कोई बात होगी नहीं कि अपनी जिम्मेवारी से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बच नहीं सकते। राजस्थान सरकार को समर्थन दे रहे बसपा विधायकों ने सरकार को समर्थन भले ही दिया हो, लेकिन पायलट के खिलाफ मोर्चाबंदी करके कांग्रेस में खेमेबाजी की भी कलाई खोल दी है। इन घटनाओं ने खुद अंतर कलह झेलती बीजेपी के हाथ हमले का हथियार थमा दिया है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।